दोस्तों आज हम बात करेंगे दही के बारे में। दही दोस्तों हमारे खान पान में बहुत ही अति लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमारे जीवन में उपयोग किया जाने वाले बहुत सारी चीज़ों में दही का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दही तो हमारे पूर्वज प्राचीन सभ्यता से सेवन करते आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है दही का। अगर आप नियमित प्रयोग करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कितनी बीमारियों से बचे रहेंगे और आपको क्या स्वास्थ्य लाभ होंगे। लेकिन कब आपको दही नहीं खाना है, इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना है। अगर आपने गलती से भी उस समय पे, जिस समय पे दही नहीं खाना चाहिए उस समय आप खा लेते हैं, तो वो बॉडी में जाके जहर को बनाता है, पॉइजन बना देता है। फिर आपको फ़ायदे की जगह बहुत नुकसान होते हैं और आप हज़ारों रुपए डॉक्टर को खर्चा करने को तैयार हो जाइए फिर। तो दोस्तों आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, देखें पूरा वीडियो को अंत तक देखें। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम सनातन सभ्यता के सभी वो आयुर्वेदिक बेस्ट से बेस्ट टिप्स आपके घर घर तक पहुंचाएं, ताकि आप जैसे हमारी डॉक्टर पहले दादी और नानी होती थी, वो हर चीज़ टोकती थी, हर चीज़ बताती थी कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आप दही नियमित सेवन करते हैं, दही खाने से दांत भी आपके बहुत मजबूत होते हैं और आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगल टाइप का हो जाता है, कैविटी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है अगर आप दही का नियमित सेवन करते हैं। दोस्तों अगर आप दही को कहीं आपके चेहरे पर, आपके फेस पे दाग धब्बे हो गए हैं, तो आप दही का पेस्ट जो है आप अपने फेस पे हल्का सा उसमें पेस्ट बनाकर थोड़ा उसके बाद अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपके दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, वहाँ लगा सकते हैं। आप देखेंगे उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप धुल दीजिए, आपके जो चेहरे में ऐसी रौनक आ जाएगी, ऐसी चमक आ जाएगी कि आप देखकर खुश हो जाएंगे, आप भी कहेंगे कि क्या बताया आपने उसका। दोस्तों दही पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दही में अजवाइन मिलाकर पीने से कब्ज़ की शिकायत समाप्त हो जाती है। हाँ दोस्तों दही आपकी पेट की सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करता है, और अगर आपको बवासीर है तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त फायदा करता है दोस्तों, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। कहा गया कि अगर आपको बवासीर है तो आप 2 टाइम दही पीजिए, आप सुबह और दोपहर में, सुबह और दोपहर में, और उसमें अजवाइन मिला के, और क्या करना है उसमें आधा चम्मच जो आप नारियल आता है, नारियल के ऊपर जो उसका जाली लगी रहती है, नारियल की ऊपर जो हरा नारियल होता है उस पर आपने देखा होगा उसमें घास टाइप की, हरी सूखी घास टाइप उसके ऊपर लगी रहती है, उसको आप निकाल लीजिए और उसको जला लीजिए। उसको जलाने का उसका पाउडर बना लीजिए, ऊपर नारियल के ऊपर की जो घास लगी होती है उसको वो जलाकर उसका पाउडर आप दही में मिलाकर पीजिए। आपका सिर्फ कहा गया है हमारे आयुर्वेद में कि अगर आप नियमित 15 दिन कर लेते हैं तो आपका जो बवासीर है वो जड़ से ख़त्म हो जाए पूरी तरह। लेकिन आपको परहेज करना पड़ेगा, आपको बादी चीज़ों का सेवन नहीं करना होगा, आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी होती, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, और आपको बाहर की जैसे मैदे से बनी कोई भी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी होगी जितने दिन ये प्रयोग करेंगे, और उसके बाद भी आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक नहीं लेनी है, ताकि आपको दोबारा ये समस्या जल्दी ना हो, और इसका सेवन आप ठीक होने के बाद भी करते रहें बराबर, ताकि आपकी जड़ से ख़त्म हो जाए वो समस्या। दोस्तों अगर आप लू से बचने के लिए दही का प्रयोग किया जाता है, लही लू लगने पर दही पीना चाहिए। हाँ दोस्तों देखते हैं आप, जब हम धूप से आते हैं बाहर से घूम कर कहीं से, बहुत ज़्यादा गर्मियों में ये लू लगती है लोगों को, तो अगर आप छाछ पीते हैं, दही पीते हैं, तो आपको इसकी समस्या बिल्कुल नहीं होती है, आप पूरी तरह हेल्दी और स्वस्थ बने रहते हैं। तो आपको दोस्तों इसमें एक काम नहीं करना है कि इसमें नमक नहीं मिलाना है। क्यों दोस्तों, अगर आप नमक इसमें मिला देते हैं तो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, आपके बॉडी को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं नमक मिलाने से। तो आप कभी भी इसमें नमक मिला के ना खाएं दही। जब भी आप दही का सेवन करें तो उसमें आप हमेशा गुड़ या फिर शुगर, चीनी मिलाकर पिए, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आप सोच नहीं सकेंगे। आप एक इस प्रयोग को आजमा कर देखिए, उसके बैक्टीरिया जो है उनकी लाइफ बढ़ जाती है।
दही पीने से पाचन क्षमता बढ़ती है और भूख भी अच्छे से लगती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपका पाचन मजबूत रहेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहेगा, तो आपके शरीर में कोई बीमारी जल्दी लग ही नहीं सकती है, और जो बीमारियां होंगी वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपका जब खाना पचेगा, जब आप फल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, लोग खाते तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन जब उनके शरीर में वो लगता नहीं। लोग कहते हैं ना कि हम सब कुछ खाते हैं, अच्छा अच्छा चीज़ें खाते हैं, फिर भी हमारा शरीर मोटा क्यों नहीं हो रहा है, हमारे शरीर को लगता क्यों नहीं। दोस्तों लगता है इसीलिए नहीं, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है। तो जो आप पोषक तत्व तो ले रहे हैं, उनका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हमारी बॉडी ले नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब है। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत मजबूत होता है। तो जब उनका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है, तो वो कुछ भी खाते हैं तो उसकी जो प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व होते हैं, वो बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, बॉडी ले लेती है। तो आपको सबसे ज़रूरी है जो ध्यान देना है, वो आपको अपने डाइजेशन सिस्टम पे ध्यान देना है। दोस्तों इसके बाद आता है मुंह के छालों के लिए बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है। मुंह में छाले होने पर दही से कुल्ला करने पर छाले समाप्त हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो दही जो है दोस्तों खट्टा होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं। वो बैक्टीरिया आपके मुँह के अंदर की जो भी कैविटी है, छाले हैं, वो सब जड़ से ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों आपको दही का सेवन, हमने बताया कि शुगर मिला के ही करना चाहिए, चीनी मिला के ही, नमक डाल के कभी नहीं। बहुत सारे लोग नमक उसमें मिला लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसको आप पीते हैं स्वाद के हिसाब से, आप स्वाद के लिए, लेकिन आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया मर जाते हैं उसके नमक डालने से, और शुगर डालने से, चीनी या गुड़ मिलाने से उसके बैक्टीरिया लाइफ बढ़ जाती है, जीवित हो जाते हैं और ज़्यादा, उनको ज़िंदगी बढ़ जाती है, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको दही का सेवन से हार्ट में होने वाले कोरोनरी आर्टरी रोग से बचाव किया जा सकता है। दही के नियमित सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त स्वास्थ्य लाभ है दही के। और आपको दोस्तों दही का सेवन कब नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। आपको कभी भी दही का सेवन शाम को नहीं करना है, सोते वक्त कभी नहीं करना है, खाना शाम के खाने के बाद भी नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद दही का सेवन वर्जित है। फिर ये आपके बॉडी में जाके जहर बनाता है, पॉइजन बनाता है, फिर आपको फ़ायदे की जगह नुकसान करने लग जाएगा। आपको दही का सेवन कब करना है, हमेशा आपको सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के समय और लंच के समय, बड़े शौक से कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको सूर्यास्त के बाद दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी कीमत पर, कोई कितना भी कहे, कहीं भी, एक बार भी नहीं, वरना दोस्तों इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।